पौड़ी पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को बिजली के तारों के बंडल के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि बीते 17 अगस्त को यहां बेंचबाड़ी गांव में हुई चोरी की वारदातों की शिकायत ग्राम प्रधान ने दर्ज कराई थी। इसके आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही बीते 20 अगस्त को सड़क के किनारे रखे बिजली के तार चोरी होने की सूचना मिली। तब चेकिंग के दौरान बुआ खाल के समीप चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को तारों के बंडल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। वो लोग चेकिंग पे थे रात को, तो उनको एक गाड़ी भी संदिग्ध मिली, UK 07 नंबर की थी। उसको उन्होंने चेक किया तो उस वाली गाड़ी में आलू भरे थे। तो आगे मतलब उसको जब देखा चेक किया तो उसमें कुछ बिजली के तार भी थे। तो जो हमारे यहाँ चोरी हुई थी वो तार उसे संबंधित थे। तो जब उनको और चेक किया तो उनके पास से जो बैंक वाड़ी में चोरी हुई थी उसमें जो वहाँ का सामान था छतर था और 3800 रुपये थे और एक आई कार्ड था और एक बैंक की वो थी चेकबुक, वो उनके पास से मिली है। और तीनों अभियुक्त ये बिजनौर के रहने वाले हैं, नारायणपुर गांव के थाना मंडावली बिजनौर के रहने वाले हैं। ये इनमें एक अभियुक्त है अरशद, उसके खिलाफ वहाँ गैंगस्टर की मदद कार्रवाई हो चुकी है और ये सातर किस्म के अभियुक्त हैं। और बाकी जो दो अभियुक्त और हैं उनका जो आबादी इतिहास है उनकी अभी जानकारी की जा रही है।